सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास साहब में। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें, जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें। ऐप खोलेंगे DBT ऐप का, तो आपको पहले अभी सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा था न्यू रजिस्ट्रेशन का। अब आपको इसमें दो ऑप्शन और प्रदर्शित होंगे। इस सेशन के बाद हम इसको लाइव कर देंगे, तो आपको दो सेशन दो बॉक्स और प्रदर्शित होंगे। एक बॉक्स है बेनिफिशियरी फोटो अपलोड 2021-22, जिसमें आपको पिछले सत्र में जिनको DBT के बेनिफिट दिया गया था बच्चों को, उनकी फोटो अपलोड करनी है। इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लास वाइज दिखेगा कि ये प्राइमरी का था 1 से 5, और अपर प्राइमरी होंगे तो 1 से 8, और कंपोजिट में भी अपर प्राइमरी होंगे तो 6 से 8, और कंपोजिट में 1 से 8 के बच्चे यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। इसमें आपको करना क्या है, जिन भी बच्चों को पिछली बार DBT का बेनिफिट मिला था वही बच्चे यहाँ पे प्रदर्शित होंगे आपके। ऐसा नहीं होगा कि पिछली बार आपके यहाँ 100 बच्चे थे इंदौर और बेनिफिट 90 को मिला था, तो आपके 100 नहीं यहाँ पे प्रदर्शित होंगे, यहाँ पे सिर्फ आपके 90 ही बच्चे प्रदर्शित होंगे क्लास वाइज, जिनको कि हमने DBT के माध्यम से उनके खाते में धनराशि गई थी। अब इस क्लास 1 पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो बच्चे थे जो इस सत्र में प्रमोट हो गए हैं आपके स्कूल से, पास आउट हो गए हैं, लेकिन फोटो अपलोड वाली लिस्ट में वो भी बच्चे आपको प्रदर्शित होंगे। इसमें आपको जैसे सर ने अभी बताया कि जिन बच्चों को हमने बेनिफिट दिया था उनकी फोटो अपलोड करनी है। आप कैमरे के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक इंस्ट्रक्शन आएगा, क्लिक फोटो विद यूनिफॉर्म। इसको आप क्लिक करेंगे, इसी तरीके से बच्चे की फोटो लेते हुए, और यहाँ पे आपको ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंक डेटा आएगा, क्योंकि ऑफलाइन भी चलेगा, अपने स्कूल में नेट नहीं है तो आप एक साथ सारे बच्चों की फोटो खींचते हुए रख लेंगे, और जब भी आपके सिस्टम में नेट आएगा या तो वो ऑटोमेटिक सिंक कर देगा, नहीं सिंक होता तो आप मैनुअल इसको सिंक कर दीजिएगा, तो आपके डेटा सर्वर पे सिंक हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक एक करके जितने बच्चों को पिछले सत्र में बेनिफिट दिया गया था उनकी फोटो खींचते हुए डेटा को सिंक कर देना है। इसी प्रकार क्लास 2 में आएंगे तो आप लोग इसको कार्य को आपस में बात करते हुए बांट भी सकते हैं कि आसानी से और जल्दी हो जाए। कि क्लास आपने बांट ली कि क्लास 1 के बच्चों की फोटो एक्स टीचर खींचेंगे, क्लास 2 के बच्चों की फोटो वाई टीचर खींचेंगे, तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग कार्य को बांट के भी कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेशन में आधार अनवेरिफाइड आया, उसके कई रीजन थे, जैसे डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी गई, बच्चे का नाम गलत डाला गया, स्पेलिंग आधार में कुछ थी, टाइप करते समय मिस्टेक हो गई, तो उनका स्टेटस अनवेरिफाइड आ गया। तो उन बच्चों को वहां पे 3 अटेम्प्ट हमने दिए थे, 3 आप 3 बार अटेम्प्ट करके देख सकते थे, वहां पे अटेम्प्ट पूरा होने के बाद आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते थे। तो उन्हीं बच्चों को दोबारा करने के लिए, या जो पुराने सत्र के आपके बच्चे थे जिसमें से 1 से 5 तक वाले में 5 के बच्चे पास आउट हो गए, 1 से 4 तक के वाले पुराने बच्चों में आधार, और उनके गार्जियन में जिनने पिछली बार माता पिता को छोड़ के लोकल गार्जियन लगाया गया था, अगर आपने पिछली बार माता पिता का आधार लगाया था और उनके खाते में
पैसा भी गया था, तो उनके पे आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार में अभी आपको एक तीन तरीके की चीज बनेगी। जैसे पिछली बार आपने माता पिता के खाते आधार लगाया, उनके खाते में पैसा गया, तो उसमें आपको कार्य नहीं करना है, उसमें सिर्फ बच्चे के आधार को सत्यापित करना है। दूसरा है कि आपने लोकल गार्जियन किसी को लगा दिया, तो उसमें आपको इस बार जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में कार्य क्या था कि माता पिता का आधार लगाना है, अगर माता पिता नहीं है तो आपको कारण बताते हुए लोकल गार्जियन में दादा दादी अंकल चाचा चाची का ऑप्शन हमने दे रखा है, आपको कारण बताते हुए लोकल गार्जियन का आधार सत्यापित करना है और बच्चे का आधार सत्यापित करना है। ये पिछली बार की तरह ही स्क्रीन है कि इस विद्यालय में 86 बच्चे हैं। आपने हो सकता है पोर्टल पे, हमने ये स्क्रीन पोर्टल पे भी दी थी, प्रेरणा पोर्टल पे, टीचर लॉगिन पे भी दी थी, वहां पे भी कई चीजें आई कि सर हमने गलती से वेरीफाई कर दिया है, इनको डिलीट करना था, तो हमने वो ऑप्शन आपको यहाँ पे एक बार और दे दिया है कि आपके विद्यालय के जितने बच्चे हैं वो यहाँ प्रदर्शित हो जाएंगे, आप यहाँ भी उनको वेरीफाई और डिलीट कर सकते हैं। अगर गलती से वहां पे वेरीफाई हो गए थे कि आपको नीचे जाके स्क्रॉल ना करना पड़े, आप ऊपर देख भी सकते हैं कि टोटल 61 बच्चे थे, 86 बच्चे थे जिसमें से 61 को भी बचे हुए 24 मैंने वेरीफाई कर दिए, तो मुझे सारे बच्चे वेरीफाई करने पड़ेंगे, मैं एक एक करके सारे बच्चों को वेरीफाइड हो गए हैं। अब ये स्क्रीन भी आपने पिछली बार यूडाइस कोड भरना है, पिछली बार हमने देखा था कई अध्यापकों ने अपने ही विद्यालय का यूडाइस कोड गलत डाल दिया था, कोई भी 11 डिजिट डाल दी थी किसी ने, इसमें हम लोग ने देखा कि मोबाइल नंबर डाल दिया था, कई लोगों ने इसमें कुछ भी डाल दिया था, तो आप लोगों से है कि इसको ध्यान पूर्वक देखते हुए, सिर्फ ये एक टाइम वन टाइम एंट्री है, अपने विद्यालय का सही यूडाइस कोड भर के आगे बढ़े। इसके नीचे आपके में है कि 22-23 में जिस दिन आप इसको भर रहे हैं उस दिन तक आपके यहाँ कितने बच्चे पंजीकृत थे, वो संख्या यहाँ पे आपको अपडेट कर देनी है। उसके बाद ये स्क्रीन पिछली बार की तरह आप लोगों ने देखा था जिस प्रकार डीबी टीम कार्य किया था कि आप अपने क्लास कक्षा को अलग अलग अलॉट कर सकते हैं कि मैं कक्षा एक का कार्य कर लूं, दो का कार्य कर लूं, तो मैं या मैंने अपने आप को सबको अलॉट कर लिया, तो फिर ये किसी और शिक्षक अलॉट करने के लिए कोई भी कक्षा नहीं मिलेगी। ये पिछली बार की तरह ही ये भी डैशबोर्ड है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, अंदर आप जाएंगे तो आपको यहां तक भी कोई परिवर्तन नहीं है, आपको जितने आपने बच्चे वहां वेरीफाई किए थे वो बच्चे यहाँ आपको प्रदर्शित होंगे। अब इन सारे बच्चे आपको यहाँ पे प्रदर्शित हो रहे होंगे, सेम जैसे आपने डीबीटी में कार्य किया था उसी तरीके से विवरण भरे पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म आपको दिखेगा। हाँ, ये फॉर्म पिछली बार की तरह से चेंज बदला गया है, जैसा कि अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन में देख रहे थे उसी फॉर्म को यहाँ पे लिया गया है। इस फॉर्म में आपको ऊपर दिखाएगा प्रेरणा पोर्टल पर 10 छात्र छात्राओं की जानकारी, कक्षा एक में आयुष वर्मा है जिनका प्रसंग ये है, एक का है तो ये नए बच्चे आपने रजिस्टर्ड किया या तो इनका देखिए आधार पहले से आपको दिख रहा है कि बना हुआ है, यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ भी आ रही और इनका आधार स्टेटस सत्यापित आ रहा है, छात्र छात्रा का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित है, तो
इस तरीके से आपको दिखेगा, इसमें आपको फिर कोई भी कार्य नहीं करना है। नीचे आप आएंगे आपको पता दिखेगा, इसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, पिछली बार त्रुटिपूर्ण डीबीटी में गलत हो गया हो पिछले सत्र में, तो इस बार आप अगर पता है में या कोई भी चेंज करना चाहेंगे वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे पिन कोड भरना है, एपीएल बीपीएल अंत्योदय कार्ड में कोई परिवर्तन करना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर बच्चे के एसआर नंबर या कक्षा में कोई परिवर्तन करना है तो आप यस और नो पे क्लिक करके परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये खुल जाता है पिछली बार की तरह। इसी तरीके से नीचे आप आएंगे, यहाँ पे गार्जियन का मिलेगा कि गार्जियन का यहाँ भी आधार सत्यापित है, पिता का आधार लगाया गया था, ये नया बच्चा था, तो नीचे बैंक का विवरण नहीं आ रहा। मैं आपको एक बच्चे के भी दिखाऊंगा जिसमें पिछले सत्र में माता का या पिता का आधार लगाया गया था, उसमें यहाँ पे आपको बैंक का विवरण भी प्रदर्शित होगा, इसमें खाते में पैसा गया था। इस केस में आपको सिर्फ अपडेट कर देना है वे तिथि भरते हुए और गांव का एड्रेस। ये सिर्फ इतना कर देना है आपको इस बच्चे में। अब हम किसी दूसरे बच्चे को लेते हैं जिसमें दोनों चीजें नहीं लगी हुई है, अनवेरिफाइड है। ठीक है, जैसे ये देखिए मैंने दूसरे बच्चे की इंफॉर्मेशन को ओपन किया तो इसमें भी आपको देखिए वही चीज मिल प्रदर्शित होगी सारी इंफॉर्मेशन। इसमें आपको देखिए आपने पोर्टल पे या न्यू रजिस्ट्रेशन पे ये तो बताया कि बच्चे का आधार बना है लेकिन उसका अनवेरिफाइड आया, तो आपको यहाँ पे पुनः एक मौका दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे बच्चे का अगर आधार बन गया है या गलती से कोई गलती हो गई थी रजिस्ट्रेशन करते समय, तो इसको आप यहाँ पुनः बच्चे का नाम, बालक बालिका, उसकी जन्मतिथि, रिलेशन, केयर ऑफ सन ऑफ आधार के अनुसार, इसमें केयर ऑफ सन ऑफ आधार के अनुसार इसमें बहुत ध्यान देना है। जैसे ही आप आधार कार्ड को देखते हैं, आधार कार्ड के बैक साइड में जहां पे पता लिखा होता है, पते के ही आगे सन ऑफ या केयर ऑफ लिख के माता पिता अंकल दादा दादी का नाम लिखा होता है, सिर्फ उस नाम को आपको यहाँ डालना है। जैसे मैंने अभी देखा पिछले रजिस्ट्रेशन वाले में लोग बहुत से लोगों ने उसमें केयर ऑफ लिख दिया जिसके कारण से उसका बच्चे का आधार अनवेरिफाइड आया, तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है कि जो आधार के बैक में आप जाएंगे तो उसमें सिर्फ एक केयर ऑफ लिख के आगे के माता पिता दादा दादी कोई भी एक नाम लिखा होगा उसको यहाँ पे मेंशन करना है। छात्र का आधार नंबर जो भी होगा आपको वैलिड डालना है, अभी मैंने डमी डाला इसलिए वो बता रहा है। आप क्लिक टू वेरीफाई पे करेंगे वो आपका आधार वेरीफाई कर देगा। इसी प्रकार आपको सारी चीजें बच्चे की पिछली बार जो आपने डीबीटी में भरी थी वो आपको भरी हुई प्रदर्शित होंगी। अगर आपको उसमें लगता है कि नहीं कोई त्रुटि इस बार पिछली बार हो गई थी, इस बार हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसको आप बदल सकते हैं। इसी तरीके से आपके नीचे गार्जियन का है, आप कंसर्न को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ये आ जाएगा किसका आधार सत्यापित किया जाना है। अगर आपने बोला माता का
इसमें आपको अभिभावक का आधार नंबर, माता का यानी कि आधार नंबर, उनका नाम, और ये माता है तो महिला सेलेक्ट हो क्या रहा, वो क्लिप तो वेरीफाई करना है। अगर माता पिता दोनों ने आप अन्य सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन में जिस प्रकार का फॉर्म ओपन हो रहा था उसी प्रकार का यहाँ पे प्रदर्शित होगा कि आपने अन्य क्यों लगाया, कि क्या माता पिता कोई जीवित नहीं है, तो आपको वही जैसा न्यू रजिस्ट्रेशन में पूछा जा रहा था, क्या प्रधान सभा सकते हो दासे का प्रमाण पत्र लेकर विद्यालय में सुरक्षित रखा गया है, अगर आप हाँ करते हैं तो आपको इनमें से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। फिर आप लोकल गार्जियन में दादा दादी भाई बहन चाचा चाची नाना नानी बुआ फूफा को मानते हुए उनका यहाँ पे आधार लगाते हुए सत्यापित कर सकते हैं। सत्यापित करने के बाद आपको फाइनल, जब तक आप अपडेट सेव नहीं करेंगे तब तक वो हमारे लिए डीबीटी के आगे प्रक्रिया में जाने से वंचित रहेगा। अगर आप इसी में कहते हैं माता पिता का दोनों का आधार बना ही नहीं है तो आपके पास आ जाएगा, कृपया माता पिता का आधार बनवाएं, तब आधार सत्यापित करें, तब सिर्फ आपको अपडेट एंड सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये आप एक बार भर देंगे सेव करके, ये तब तक आपके लिए यहाँ पे अपडेट के लिए खुला रहेगा जब तक आप इनके आधार को बनवा के ले नहीं आएंगे, तब तक ये आप स्क्रीन में आके आप दोबारा इसकी एंट्री पुनः यहाँ जाके कर सकेंगे, आपको उसी तरीके का फॉर्म मिलेगा। तीसरे बच्चे में दिखाते हैं हम आपको कि जिसमें एक में, इसमें देखिए बच्चे का आधार सत्यापित है, इसमें माता का भी आधार सत्यापित है, जैसे मैं भरी तो यहाँ पे आपको पुनः वो पूछ रहा है क्या आप हाँ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा छात्र छात्रा के नाम आधार के अनुसार भरें। अगर आप कहते हैं कि छात्र छात्रा का आधार नहीं बना है, अभी भी आप कह रहे हैं नहीं बना, तो वो आपसे यहाँ पे पूछेगा कारण, यदि छात्र छात्रा का आधार बना नहीं है तो उसका कारण बताइए। आधार बनने की प्रक्रिया में है तो आपको जब आधार बनाने जाते हैं तो एक रिसिप्ट मिलती है, एक पर्ची मिलती है, उस पे एक नंबर होता है इनरोलमेंट नंबर, वो आपको यहाँ भरते हुए इसको सेव कर देना है, तो यहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन का बटन नहीं दिख रहेगा। अगर आप कहते हैं आधार नहीं बना है, ठीक, तो आपको एनरोलमेंट नहीं भरना है, और इसमें नीचे आप देखेंगे बच्चे की इंफॉर्मेशन पहले से भरी है, सत्यापित है। इसी तरीके से मैं एक आपको दिखाता हूं कि जिनमें पिछले सत्र में पेमेंट भी चला गया था उनमें किस प्रकार प्रदर्शित होगा। मैं आपको दोनों चीजें पोर्टल पे कैसे दिख रहा है और वही बच्चे की यहां पे किस स्थिति में दिख रहा है, दोनों चीजें मैं आपको यहां पे प्रदर्शित करता हूं। आधार नहीं सत्यापित है, लेकिन आप इनके गार्जियन में देखेंगे तो पिछली बार इन्होंने अपने माता का आधार लगाया था और आधार सत्यापन है, और इनके देखिए नीचे आपको बैंक की डिटेल भी दिख रही है कि इनका पिछले सत्र में किस खाते में पेमेंट गया था, तो ट्रांजेक्शन आईडी, बैंक का नाम, खाता संख्या। तो इन्होंने जो माता का आधार लगाया था वो पूरी तरीके से सत्यापित था और वो बैंक से सीड भी था, तो इसमें इनको गार्जियन अभिभावक के बॉक्स में कोई भी कार्य नहीं करना है, सिर्फ बच्चे का आधार सत्यापित करना है, हाँ करना है। अगर बच्चे का आधार बना है जैसे हमने बताया, बच्चे का नाम
डालना है, बालक बालिका चूज करना है, उसकी जन्मतिथि डालनी है, होता क्या है बच्चे का आधार बनवाने गए तो उसमें अभिभावक के रूप में चाचा चाची दादा दादी का नाम डाल दिया, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और बच्चे का अब केयर ऑफ और सन ऑफ में नाम डाल देंगे। और इसको क्लिक जो है वेरीफाई करेंगे आधार नंबर डालते हुए, तो ये बच्चे का आधार सत्यापित हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे आपको पिन कोड भरना है, अगर कोई त्रुटि है उस एहसान नंबर और कक्षा में तो आप यहाँ पे हाँ या नहीं पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे क्लास बदलनी है तो क्लास में आपने इसको कर दिया फोर्थ, तो इस बच्चे की क्लास को हम सिस्टम में अपने आप इसको फोर्थ कर देंगे, वैसे बच्चा फर्स्ट सेकेंड क्लास में है तो त्रुटिपूर्ण ये सेकेंड क्लास में पंजीकृत हो गया था लेकिन हम इसको फोर्थ में कर देंगे। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आपको नहीं का चुनते हुए इसको सिर्फ अपडेट करना है। आधार लगाया था, आधार वेरीफाइड भी था लेकिन किसी कारण से उस बच्चे में वो आधार बैंक से सीड नहीं था, तो वो भी आपको यहाँ पे भरा हुआ प्रदर्शित होगा। लेकिन अगर उसको आप चेंज करना चाहेंगे तो वहां पे आप बदल सकेंगे, अगर माता का लगाया था पिछली बार तो आप पिता का लगा सकेंगे, पिता का लगाया था तो आप माता का लगा सकेंगे। इसी तरीके से चाहे न्यू रजिस्ट्रेशन में हो या अपने डीबीटी में, तो वो आपको यहाँ पे पूरी रिपोर्ट में प्रदर्शित होंगे। जैसे अभी कंप्लेन आ रही थी कि जो बच्चे हम लोगों ने न्यू में रजिस्ट्रेशन किए हैं किसी कारण से ऐप को डिलीट कर दिया या अनइंस्टॉल कर दिया, तो वो बच्चे सर्वर पूर्णा रिपोर्ट पे तो पोर्टल पे तो दिख रहे हैं लेकिन आपके ऐप में नहीं दिख रहे थे, तो वो बच्चे आपको यहाँ वेरीफाइड स्टूडेंट की रिपोर्ट में आपको टोटल इनरोल बच्चे दिखेंगे, चाहे वो आपने पोर्टल से किए हो या आपने प्रेरणा ऐप से रजिस्टर किए हो, वो बच्चे आपको हर चार घंटे में हम लोग उसको सिंक करते हैं। सिर्फ वही बच्चे बच जाते हैं जिनमें किसी कारण से उनको प्रेरणा पोर्टल पे भी रजिस्टर्ड कर दिया गया और डीबीटी ऐप में भी रजिस्टर्ड कर दिया गया। कुछ अध्यापकों ने शुरू में ऐसा किया कि उनको प्रेरणा पोर्टल पे भी बच्चों को रजिस्टर्ड किया और डीबीटी ऐप पे भी, तो वो बच्चे हमारे यहाँ डबल हो गए, डुप्लीकेट हो गए, तो उन बच्चों को हमने अभी एज ए सस्पेक्टेड में मार्क करके रखा है। उनमें से हम एक एक चेक करते हुए अगर सेम स्कूल में दो बार हो गए उनको हम सिस्टम ही द्वारा ठीक करके आपके में पोर्टल पे दिखने लगेंगे। अगर वो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हम लोगों ने देखा एनालिसिस में इस बार कि वो बच्चे किसी दूसरे जिले में भी पढ़ रहे हैं और आपने रजिस्टर किया तो आप क्या भी पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को हमने भी एज ए सस्पेक्टेड किया है, जिसकी रिपोर्ट हम आपको आप के लॉग इन पे ऐप पे और बीओ पे प्रदर्शित करेंगे, जिसमें से आप लोग को आइडेंटिफाई करना है बात करते हुए दूसरे टीचर से या आपने कि वो बच्चा कहाँ पे वर्तमान में पढ़ रहा है। क्योंकि अब यहाँ पे आधार हम बच्चों का ले रहे हैं तो एक जैसे ही आप एक से अधिक जगह उन बच्चों को एडमिशन करेंगे सिस्टम अपने आप बता देगा कि यह बच्चा एक से ज्यादा विद्यालय में रजिस्टर्ड है। सर हाँ हिमांशु जी, हो गया आपका? हाँ सर, इसके अलावा सारे ऑप्शन हो गए। ठीक है, बस मैं चाहूंगा कि आपकी ओर से
दो और प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए जी सर। अध्यापकों का। पहला तो ये कि जिन बच्चों को अध्यापक वेरीफाई कर चुके हैं या जी नया न्यू रजिस्ट्रेशन में उस सफलतापूर्वक उनका डेटा सेव कर चुके हैं और उनमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता है या कुछ गलत हो गया है, एंट्री एसआर नंबर गलत हो गया है या जी कुछ और गलत एंट्री हो गई है, तो उसको कैसे संशोधित करें, पहला प्रश्न। सर, ठीक सर जी, अभी आपने क्वेश्चन किया कि इनको कैसे संशोधित कर सकते हैं। हम आधार वेरिफाइड होने के बाद हम सिर्फ उनको दो चीजों को संशोधित करने का ऑप्शन दे रहे हैं। एक, वो अपने जैसे बच्चे में जाके सिर्फ बच्चे का एसआर नंबर और क्लास को चेंज कर सकते हैं अगर आधार सत्यापन हो चुका है, क्योंकि अगर आधार सत्यापन हो चुका तो उनकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि आधार कार्ड पे सही है तो वो उसको नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि आधार कार्ड के अनुसार ली गई है। नाम नहीं ठीक कर सकते क्योंकि आधार कार्ड के अनुसार उन्होंने भरा है, यानी कि वो नाम आधार पे सही है। अगर उनका आधार पे और एक्चुअल में नाम गलत है तो एक्चुअल में अगर सही है आधार पे गलत है तो टीचर को पहले आधार पे बच्चे से बोल के ठीक करवाना पड़ेगा। लेकिन एसआर नंबर और क्लास की त्रुटि कोई चेंजेस हैं तो वो प्रेरणा पोर्टल पे भी हमने ऑप्शन दे दिया है मॉडिफाई करने का, और ऐप में यस करके इसमें सिर्फ अभी दो ही ऑप्शन इनको इनेबल होंगे जब हम लाइव करेंगे, एसआर नंबर और क्लास, ये दोनों चीजें यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और जिन बच्चों का आधार वेरीफाई नहीं किया है, आधार नहीं बना है, उनकी एंट्री अगर कर ली है तो उनके किसी भी फील्ड को ये लोग संशोधित कर सकते हैं। सर उनके लिए पूरा पूरा अगर वो खोलते हैं, देखिए जैसे अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ, डीबीटी ऐप जैसे ये गए, इनका अभी आधार सत्यापित नहीं हुआ है तो इसमें वो कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। बच्चे का नाम, ये देखिए बच्चे का नाम हमने ऊपर दिखाया फलक जहां, लेकिन यहाँ पे वो अगर कह रहे हैं आधार के अनुसार तो वो बच्चे का कोई भी नाम डाल सकते हैं, और कह रहे हैं आधार नहीं बना है तो उसका सही नाम यहाँ पे डालते हुए इसको वो सारी सारे चेंजेस यहाँ पे उनके लिए इनेबल है। डेट ऑफ बर्थ, नाम, सब कुछ वो चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में। नहीं, आधार में तो चेंज कर सकते हैं लेकिन मेन एंट्री में अगर चेंज करना चाहें तो आधार अभी नहीं बना है लेकिन पता चल रहा है कि हाँ तो ऐसा सर ये नंबर जो गलत आ देखिए गया। हमने यहाँ पे दिया आधार नहीं बना है, लेकिन छात्र छात्र का नाम हम उनसे पूछ रहे हैं दोबारा। यहाँ पे अच्छा, ठीक ऊपर है। हम देखिए दिखा रहे हैं कि इनका फलक जहाँ नाम है प्रेरणा पोर्टल के अनुसार, लेकिन उनको लगता है कि यहाँ पे कोई त्रुटि हो गई है तो यहाँ पे वो नाम चेंज कर देंगे। इस नाम को ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। थैंक एक्सेप्ट करेंगे और फाइनली इस नाम को मानेंगे। यू। दूसरा ये कि कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि बच्चों को वेरीफाई किया गया हो या उनकी एंट्री की गई लेकिन वो पोर्टल पे काफी दिन हो गए शो नहीं कर रहे हैं, तो इसमें अगर सस्पेक्टेड बच्चा नहीं है तो फिर कोई और तो रीजन नहीं होगा। नहीं सर, ऐसा कोई और रीजन नहीं है कि सिर्फ वही दो रीजन हमने पाए थे कि एक तो दो जगहों पे रजिस्टर कर दिया गया था शुरू में, जब पहले पोर्टल लाइव हुआ फिर ऐप लाइव हुआ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा तो दो दो जगह बच्चों को कर दिया गया, सिर्फ वो बच्चे भी एक हमने हटाते हुए एक बच्चे को पोर्टल पे प्रदर्शित हो रहा है। सिर्फ वही बच्चे नहीं दिख रहे होंगे अभी जो एक से ज्यादा जगह रजिस्टर्ड है, ठीक रजिस्टर्ड है। है। इस ऐप को हम लोग आज प्ले स्टोर पे आ जाएगा और इनको अपडेट जी, भी मिल जाएगा। और इसी का सर यूजर मैनुअल और वीडियो मैनुअल दोनों बना दिए गए हैं, तो यूजर मैनुअल प्रेरणा पोर्टल पे अध्यापक लॉगिन करके निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी में इसका ऐप में भी लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से भी तो देख सकेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू हिमांशु। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ अपर परियोजना निदेशक श्री रोहित त्रिपाठी सर जुड़े हुए हैं। रोहित त्रिपाठी सर, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। रोहित त्रिपाठी सर,